है एवरी वन तो ये है जावा लूप्स पार्ट वन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमें बेसिकली लूप्स का यूज़ करना है एक सिंपल मैथ के क्वेश्चन को करने के लिए ठीक है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन को तो हमें एक इंटीजर गिवन है एन जिसके हमें फर्स्ट टेन मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं बेसिकली मतलब इसका टेबल प्रिंट करना है और कैसे प्रिंट करेंगे एन जो इंटीजर है उससे आई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो और जो आई की वैल्यू होगी वो तो वन से लेके कर टेन तक हो सकती है मतलब टेन टेबल ही कह लो यार जैसे यार टू हुआ तो टू का टेबल प्रिंट हो जाएगा टू इंटू वन इक्वल टू 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 इंटू टू इक्वल टू, टू फोर ऐसा करके ठीक है अब इनपुट देख लो इनपुट में एक हमें एक इंटीजर की बना हुआ जिसका हमें प्रिंट करना है और इसके कंस्टेंट्स क्या है मतलब की वैल्यू जो होगी दो से लेके कर बीस तक हो सकती है लेकिन इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है रिस्ट्रिक्ट करने की तो प्रिंट करना हमें क्या है हमें ये टेन लाइंस प्रिंट करनी है ठीक है ये इनपुट के हिसाब से अब इसको करते हैं तो इसको करने के लिए हमें लूप का यूज़ करेंगे ओ एक सेकेंड हाँ तो इसको करने के लिए हम एक लूप का यूज़ करेंगे जहाँ पे ये बफर ख़त्म बंद हुआ है ना इसके नीचे करेंगे और ये बफर रीडर क्या है जैसे आप स्कैनर क्लास यूज़ करते हो ना यूज़र से इनपुट लेने के लिए उसका ऑल्टरनेटिव होता है बफर रीडर नव हम लूप लिखते हैं बेसिकली तीन तरीके के लूप होते हैं लेकिन हम यहाँ पे जो लूप यूज करने वाले हैं वो है फोर लूप यहाँ पे इसके अंदर तीन कंडीशंस होती हैं सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन तो जो भी आपको वेरिएबल है जैसे पे एक आई रखा है ना हमने एक आई वेरिएबल ले लिया इसकी वैल्यू हर बार लूप में चेंज होगी जैसे पहले वन होगी फिर टू होगी फिर थ्री होगी फिर लास्ट में टेन होगी तो लूप का मतलब क्या है एक ही जैसी सिमिलर स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंडीशन जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमने आई की वैल्यू इनिशलाइज कर दी वन अब इसके बाद इनिशलाइजेशन के बाद आता है कंडीशन कि लूप कब तक चलेगा जैसी वैल्यू वन से शुरू हो के टेन तक पहुँच जाएगी ना वैसे अपना लूप खत्म हो जाएगा और इसके बाद आता है अपडेशन तो आई की वैल्यू कैसे चेंज होगी हर बार आई की वैल्यू एक से बढ़ेगी यहाँ पे देख रहे हो पहले वन है फिर टू है फिर थ्री है और यहाँ पे आई प्लस टू लिख देते तो यहाँ पे हर बार वैल्यू दो से बढ़ जाती है ठीक है तो हमने यहाँ पर कंडीशन लिख ली अब अपना इसके अंदर की बॉडी का वाला पार्ट लिखते हैं ओके एक छोटा साइड दिखा मुझे ठीक हो गया यहाँ पर आपको सेमी कॉलन लगाना याद रहे सेमी ठीक है अब यहाँ पर प्रिंट करते हैं सबसे पहले जो अपना एन है उसको प्रिंट करेंगे इंटीजर फिर इसके साथ हम प्लस साइन लगाएंगे क्यों क्योंकि हमें इसके आगे स्ट्रिंग लिखना है ठीक है और जो स्ट्रिंग है उस वहाँ पर हम एक्स को प्रिंट करेंगे और ये प्लस का मतलब होता है इसको कनकेटिनेट करना मतलब जोड़ना कनकेटिनेशन तो यार स्ट्रिंग में होता है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ और इसके बाद अपनी जो आई की वैल्यू है उसको प्रिंट कराएंगे आई देख रहे हो ना यहाँ पे आई भी प्रिंट होगा और इसके बाद अपना आ जाएगा इसके बाद अपना आ जाएगा इक्वल टू का साइन जिसको हम स्ट्रिंग की तरह वो प्रिंट करेंगे और लास्ट में अपनी वैल्यू वैल्यू क्या है एन क्रॉस आई मतलब जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है अब ये वैल्यू कैसे आ रही है हम ये जो अपना एन जो हमें गिवन है उसको वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जैसे टू गए वन है जब काउंटर की वैल्यू टू होगी तो उससे मल्टीप्लाई हो फोर प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो वही हो रहा है यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट कैसा आ रहा है और एक्सपेक्ट कैसे किया है तो यहाँ पे स्पेसिंग का फ़र्क है अब इसको स्पेस दे देंगे तो अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा दोनों तरफ से एक एक स्पेस दे देते हैं ना वो प्रिंट करके देखते हैं अपने दोनों टेस्ट केस चलिए और इसी के साथ ये प्रॉब्लम खत्म थैंक यू